बीते दिनों यमुना नदी ने दिल्ली वालों पर जमकर कहर बरपाया। किसी के घर में पानी घुस गया तो कहीं सड़कें नदी में तब्दील हो गई। लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ा जिनके घरों में पानी भरा नहीं, बल्कि सैलाब में उनका घर, किताबों के साथ बच्चों का भविष्य, सब कुछ बह गया। हालांकि सरकार द्वारा बाढ़ प्रभावित लोगों को दूसरी जगह विस्थापित कर दिया है, जहां उन्हें खाना पानी तो मिल रहा है, लेकिन इस बाढ़ के चलते उनकी जिंदगी थम गई है। आगे का सफर धुंधला सा नजर आ रहा है। ये तस्वीरें मयूर विहार रिलीफ कैंप से सामने आ रही हैं। यहाँ के बाढ़ पीड़ितों का क्या कहना है, सुनिए। बच्चे पढ़ रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे अब? स्कूल ये पॉकेट फोर में पढ़ रहे हैं, यानी कई जगह पढ़ रहे हैं बालक। सब बच्चों की किताब डूब गई, किताब नहीं मिलेंगी। कोई कोई कह रहा है कि किताबें मिलेंगी, कोई नहीं कह रहा है नहीं मिलेंगी। नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है, किसी को ला पाया, किसी को नहीं ले पाया, किसी को चम्मच भी नहीं ले पाई। यही कपड़ा पहने चला आया, ट्रैक्टर ट्राली भी बह गए, बहुत से बह गए, भैंस भी मर गई, गाय भी मर गई, जुग्गी भी चली गई, अपने प्राण बचा के चले जाए। जी ही ना आवा तो वही लेके आता तो वही देता है, और बकिया वो सरकार की तरफ ना है कि जी मैं सरकार की तरफ आया हूँ। और तो बांटने आए थे तो बीजेपी वाले आए थे भाई, और तो कोई पार्टी नहीं लेके खाना आया। सरकारी तरफ से क्या करा जा रहा है? सरकारी तरफ कुछ हुए नहीं आया। आपको क्या सुविधाएं मिल जा रही हैं? कुछ नहीं, खाना पीना कैसे चल रहा है? खाना पीना जो आते हैं बांटते हैं वही मिला है। आप सरकारी तरफ से सबका कोई राशन मिला है सूखा, हमका भी कुछ नहीं मिली, तिरपाल भी नहीं मिली। नहीं, नहीं टेंट उंट नहीं मिला हुआ है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ, कम से कम हमारे लिए 70-80 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ है। फसल सब मारी गई, उसमें जा समझो कि कम से कम 20-30-40 हज़ार रुपए का तो बीज था, वो मारा गया, जुताई मारी गई। और यहाँ भी सुविधा सही है, खाने पीने की हर बात की कोई परेशानी नहीं है। राशन वगैरह मिल रहा है? हाँ, राशन भी मिल रहा है, मगर दवाएं ऐसा है जो दवाएं मांगते हैं वो दवाई नहीं देते हैं, वो गोली फोली दे के बहका देते हैं। आपको बताते चलें कि यमुना का जल स्तर पहले के मुकाबले काफी कम हुआ है, हालांकि अभी भी खेतों में पानी भरा हुआ है। ऐसे में फिलहाल बाढ़ पीड़ितों को रिलीफ कैंप से वापस उनके घर नहीं भेजा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।